झारखंड के जिले पश्चिम सिंहभूम के आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत बेड़ा कदुंदा पंचायत में समेकेतिक जन विकास केंद्र द्वारा प्रवासी मजदूरों को सामग्री मुहैया कराई गई। संस्था द्वारा सामग्री मिलने पर प्रवासी मजदूरों द्वारा दुकान खोला गया, जिसका उद्घाटन बेड़ा कदुंदा मुखिया सुनीता मानकी व संस्था के अन्य सदस्यों ने किया। आपको बता दें कि बेड़ा कदुंदा पंचायत के बेड़ा तुडुंडा, बुरु तुलुंडा, बुड़ीबिल व काकूरदा की दो युवतियों को टेलर के लिए सिलाई मशीन व अन्य सामग्री, दो युवकों को साइकिल मरम्मती कार्य किए जाने की सामग्री व एक युवक को वेल्डिंग मशीन तथा एक युवक को बिजली सामानों की मरम्मती की सामग्री दी गई। संस्था के सुपरवाइजर जगेश्वर सिंह ने बताया कि पलायन रोकने के लिए संस्था द्वारा बेड़ा कदुंदा पंचायत में सर्वे कराया गया, जिसमें 6 कुशल मजदूरों की पहचान हुई। ये मजदूर बेंगलोर, महाराष्ट्र, गोवा, जमशेदपुर जैसी जगह काम करते थे। लॉकडाउन के कारण ये अपने घरों में लौटे हैं। मौके पर मौजूद बेड़ा कदुंदा मुखिया सुनीता मानकी ने कहा कि समेकेतिक जन विकास की पहल से क्षेत्र में पलायन रुकेगा और इससे अन्य प्रवासी मजदूर प्रेरणा लेंगे। बेड़ा कदुंदा पंचायत अंतर्गत में जन समेकित विकास केंद्र जमशेदपुर से एक सहयोग प्रवासी मजदूरों को दिया गया। इसमें रोजगार कमाने के लिए जैकि पलायन ना जाए, उसी के यह से जो प्रवासी मजदूर बाहर जा के काम कर रहे थे और वो लोग कुछ हुनर जानते हैं, इसके लिए गांव में हम लोग को चयन करने के लिए बोला गया और चयन किए। जो जिसका हुनर है उस आधार से उन लोग को कुछ मदद में दिया जा रहा है सामग्री, जैसे वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए सिलाई जानते हैं सिलाई मशीन, और साइकिल मिस्त्री के लिए उसका पूरा औजार, ताकि वे लोग बाहर ना जाएं, अपना गांव घर में ही काम करें, रोजगार और अपना आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए ये सामग्री दिया जा रहा है। कौन संस्था द्वारा दिया जा रहा है? समेकित जन विकास केंद्र जमशेदपुर से। कुल कितने प्रवासी मजदूरों को ये दिया गया सामग्री? कुल 6 प्रवासी मजदूरों को दिया जा रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।